आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी नवरात्रि स्पेशल फलाहारी आलू की स्टफ़ टिक्की, जो कि खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। साथ ही बनाऊंगी इसके बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिप, जिसकी वजह से इसका स्वाद जो है ना वो दुगना हो जाएगा और आपके घर में सभी को बेहद पसंद आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। नमस्कार, मैं हूँ कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इनको बनाते कैसे हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं ना उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, जिससे कि बनाना इजी हो जाएगा। मैंने ले लिए हैं ये उबले आलू करीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ के, और साथ ही ले लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, और देखिए अदरक हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ धनिया और व्रत वाला सेंधा नमक, काली मिर्ची, सिंगाड़े का आटा ले लिया है। अब बनाएंगे हम इसका पहले ऊपर का कवर टिक्के का। तो उसके लिए देखिए आलूओं को उबालकर छीलने के बाद में देखिए मैंने इनको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट इसलिए किया है जिससे कि कोई भी इसमें मोटा पीस नहीं रहे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच बड़े भरकर सिंगाड़े का आटा। आप चाहे तो कूटू का आटा या फिर साबुदाने का को पीस कर उसका आटा भी डाल सकते हैं। व्रत वाला कोई सा भी इसमें आप ये आटा यूज़ कर सकते हैं। अब डाल देंगे इसमें हम सेंधा नमक 1/2 टीस्पून, और साथ ही ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसके अलावा हमें अभी कोई भी चीज़ इसमें नहीं ऐड करनी है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर ये आलू आपको ज़्यादा चिपचिपे लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच सिंघाड़े का आटा और ऐड कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। तो देखिए अब ये एक तरीके से डो जो है ना रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम बना लेते हैं स्टफिंग। तो देखिए एक बाउल लेंगे, उसमें डाल रही हूँ मैं ये काजू 8 से 10 बारीक काट कर, और साथ ही ले लिए मैंने ये भुनी हुई मूंगफली करीबन 1 बड़ा चम्मच भरकर, और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें काली मिर्ची पाउडर। स्टफिंग थोड़ी सी चटपटी बनेगी ना तो ही टिक्कियों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इन सभी चीज़ों को आप कर लेंगे हम मिक्स। अभी ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा लग रहा है, इसलिए जो अभी हमने डो तैयार किया था ना उसमें से ये 1 चम्मच मैंने डो इसमें ऐड कर दिया, जिससे ये सभी चीज़ें जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और इसमें एक बाइंडिंग आ जाएगी। अगर हम वो नहीं मिलाएंगे ना थोड़ा सा डो इसमें, तो इसमें बाइंडिंग नहीं आएगी। तो लीजिए हमारी ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है, अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो देखिए मैंने हाथों को घी से थोड़ा सा चिकना कर लिया है। अब इसमें से हमें जितनी भी बड़ी टिक्की बनानी है उसके हिसाब से हम ये थोड़ा सा इसमें डो लेंगे और इसको देखिए फैला लेंगे, और हथेलियों के बीच में रखकर इसके अंदर हम ये करीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें से स्टफिंग ले ली है। अब इनके कोने देखिए इस तरीके से आपस में मिलाते हुए इसे बंद करेंगे, जैसे कि हम कचौड़ी बंद करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे बंद करनी है। और बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से गोलाकर इसे शेप देंगे। देखिए साइड्स बिल्कुल भी फटे नहीं, जो कॉर्नर है ना फटे फटे नहीं होने चाहिए, इसलिए उनको भी इवनली करेंगे। तो लीजिए हमारी ये देखिए बहुत ही बढ़िया टिक्की जो है ना ये रेडी हो गई है। इसी तरीके से मैंने ये बाकी टिक्कियाँ भी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इनको मैं और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए एक आपके साथ में एक नई चीज़ शेयर करूँगी। तो देखिए ये लिया है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा 2 से 3 चम्मच, इसे पेट में फैला लिया है। अब ये टिक्कियों के ऊपर हम इसमें इसको अच्छी तरीके से देखिए लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा ना उसको देखिए हटा देंगे, तो इससे टिक्की का स्वाद भी बढ़ेगा और टिक्की जो है ना हमारी कुरकुरी बनेगी। तो सभी टिक्कियों को हम इसमें मतलब अच्छी तरीके से लगा के तैयार करेंगे। देखिए मैंने आपको एक और भी इस तरीके से बना के बता दिया, इसी तरीके से मैंने बाकी की टिक्कियों को भी तैयार कर लिया है। अब इनको हम करेंगे शैलो फ्राई, मैंने फ्राई नहीं कर रही हूँ शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए उसके लिए डालेंगे यहाँ पर हम ये देसी घी। घी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा ना इसमें, उसके बाद ही हम टिक्कियों को इसमें रखेंगे। तो देखिए मैंने सिर्फ ये 2 चम्मच यहाँ पर घी यूज़ किया है, घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम टिक्की को रख देंगे। जितनी टिक्की पैन में ईजीली आ जाएंगी और आराम से आ जाएंगी उतनी ही रखनी है, ज़्यादा नहीं। एक तरफ से 3 से 4 मिनट के लिए सिकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद में धीरे से देखिए इस तरीके से पलट देंगे। अब देखिए नीचे से कितनी बढ़िया सिक गई हैं ये एकदम क्रिस्पी। फ्लेम को हाई नहीं रखें, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही
सेकेंगे। देखिए अब ये जो टिक्के हैं ना, इनको हम फिर से अब ये पलट देंगे, और अभी नीचे का हिस्सा और कुरकुरा करना है हमें, तो मैं इनको भी और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने दूंगी। अभी टिक्की फ्राई हो रही है, इतनी देर में क्या हम डिप बना लेते हैं। डिप को बनाने में मुश्किल से 2 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए एक ले लिया है बाउल, और उसमें डाला है मैंने ये 1 कप फ्रेश दही। ये मेरे घर का ही जमा हुआ दही है, और दही को मैंने फेंट लिया था। अब इसमें डाल देंगे हम काली मिर्ची पाउडर, और साथ ही डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक, क्योंकि देखिए टिक्की में भी नमक है और स्टफिंग में भी नमक है। और ये डाल रही हूँ मैं इसमें भुनी हुई मूंगफली, जो कि मैंने इनको दरदरा सा कूट लिया है, 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दिए, और थोड़ा सा डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो डिप है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी बहुत होता है। आप इसे नॉर्मली में भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगा है, और ये जो डिप है ना रेडी हो गया है। अब दोबारा से चलते हैं टिक्कियों के पास में। देखिए नीचे से भी ये कितनी अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं। तो देखिए हमारी ये टिक्की जो है ना रेडी हो चुकी है। अब इसे हम निकालेंगे प्लेट में। अब देखिए बिल्कुल मैंने इसको गोल्डन अच्छे से फ्राई किया है। सभी टिक्कियों को निकाल लिया है पहले बैच की, अब हमने सेकेंड बैच की टिक्कियाँ इसमें रख दी है सिकने के लिए। देखिए अब कितनी कुरकुरी टिक्की बनी है। उनको भी हम बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से फ्राई करेंगे। शुरू में 2 से 3 मिनट बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, जब ये नीचे से सेक जाएंगे उसके बाद इन्हें पलट देंगे। फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट पलट के इन्हें फिर अलट पलट के अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी है। तो लीजिए हमारी सेकेंड बैच की टिक्कियाँ भी तैयार है, अब इनको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए प्लेट में सबसे पहले रख रही हूँ मैं ये डिप हमने तैयार किया हुआ, और साथ ही ये सभी फलाहारी टिक्कियाँ। आपको इनका टेक्सचर देख के ही पता पड़ रहा होगा कि ये कितनी बढ़िया बनी है। आप भी इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगेंगी आपको। लीजिए हमारी सभी टिक्कियाँ, और बहुत ही टेस्टी हेल्दी डिप के साथ तैयार है। आप इन्हें जल्दी से बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। मुश्किल से बनाने में समय कितना लगा है, टोटल हमारा 15 से 20 मिनट, और ये दोनों चीज़ें बनके तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से आप इन्हें बनाइए, और आप सभी को मेरी आज की नवरात्रि स्पेशल फलाहारी टिक्की डिप के साथ में कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।